है उसके साथ जाना है जी। 7% वोट जोड़ दो अगर 21% में तो 28% होता है, और 4-5% और इधर का फ्लक्चुएट वोट वो मिलके 34% होता है, और हमारा वोट 22% ये और प्लस 21% वो 44% होता है, और पिछले वर्ग का जोड़ लें अगर हम 20% तो 64% वोट होता है जी। 64% वोट जो है कौन मुकाबला करेगा, कोई नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। इसलिए होने जा रहा है इस बार 100% हम दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का इस बार परचम फहराएगा, और आदरणीय बहन जी को जो है हम संसद में भेजेंगे और आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा सर, ये तो आपका समीकरण रहा, और इस समीकरण के तहत क्या जनता के बीच में जाकर के काम किया जा रहा है BSP में? बिल्कुल किया जा रहा है जी। कैसे? हम खुद जी, मैं अपना बता दूं कि 9 बजे से निकलता हूं, आपको आप देख ही रहे हो कि मैं तैयार बैठा था जी, और मेरी आदत है कि समय से पहले मीटिंग में पहुंचना। बहुत बहुत बढ़िया। और वहां पे लोगों को, कार्यकर्ताओं को ये बताना कि तुम जो है इसमें भ्रम पैदा किया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है तीसरे नंबर पर पहुँच गई, बहुजन समाज पार्टी का जो है ये जनाधार खिसक गया वो जनाधार, कहीं कोई खिसका विस्का नहीं है जी, कहीं जनाधार नहीं खिसका खिसका। अब हमने एक प्रयोग करके दिखा दिया नगर पालिका परिषद में जी, हमने कहा कि कहीं ना जीते हो लेकिन जालौन हम जीते हैं, और जालौन का एक लिटमस टेस्ट मान लो आप जी, जालौन में आप घूम के देख लो जी, अगर हमारे से मजबूत कोई पार्टी वगैरह बता दो तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई भारतीय जनता पार्टी मजबूत जी जी जी, लेकिन इस समय हम नंबर एक खड़े हुए हैं, और इसी को आधार मान के, इसी को सिंबल मान के हम पूरे प्रदेश का आकलन करते हैं कि हमारी हर जगह काम चल रहा है, आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, और वो हर तरीके से सफल होगा। सर जी, आप ये सब चीज़ें जनता में कैसे पेश करेंगे, कैसे पहुंचाएंगे जनता में? जनता में हम इसको कैडर कैंप के माध्यम से बैठा रहे हैं जी। क्या कोई ऐसा मीटिंग हॉल बनाया गया है जनपद जालौन में जिससे कम से कम महीना में या 15 दिन में बुला करके लोगों को वहाँ समझाने का काम किया जाए, उनसे कहा जाए कि आप क्षेत्र में निकलिएगा, प्रत्येक गांव में मीटिंग कीजिएगा, लोगों को बताइएगा? ये जो नगर पालिका परिषद के चुनाव हो रहे थे उससे पहले मेरा अभियान चल रहा था, आदरणीय बहन जी ने कहा था चलो गांव की ओर जी, और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये दो, एक नारा और एक कार्यक्रम जी, दोनों के साथ हम जो है कैडर कैंप के माध्यम से जो हमने बंद कर दिए थे, किसी वजह से बंद हो गए थे, बहन जी ने उन्हें फिर जो है रिवाइव किया है। आदरणीय बहन जी ने कहा कि जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग तमाशा दिखाते दिखाते रहे, आप लोग फिर उसी भूमिका में आइए और गांव गांव गले गले जाके जहां पे बहुजन समाज का वोट रहता है, जहां समझता है, और उन लोगों के बीच में जाइए, क्योंकि अभी हम लोग जो है शहरों में ऊपर ऊपर काम करने लगे थे कैसे, लेकिन अब जो है बहन जी ने कहा, आदरणीय बहन जी ने कहा कि गाँव की ओर चलो, चलो गांव की ओर अभियान में। अब हम 1 अगस्त से फिर ये अभियान शुरू हो गया है, और हम इसमें कैडर कैंप के माध्यम से इसमें लगे हुए हैं, और सारे जमीन पे, हकीकत में जमीन पे हम काम करने वाले लोग हैं, और कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे तैयार कर रहे हैं जी, अपना बूथ सबसे मजबूत जी, इस नारे के साथ कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो सर इसमें स्पीड पकड़ी जाएगी? बहुत स्पीड पकड़ी हुई है। अच्छा, स्पीड पकड़ी हुई है, और इसी का परिणाम है कि हमने जो 13% का आंकड़ा बता रहे थे 25-30% के वोट में जो प्रदेश में बढ़ाया है वोट, इसी वजह से बढ़ा हुआ है जी, कि कैडर कैंप हमारे पुनः लगने लगे, और कैडर के माध्यम से हम अपनी बात समझा पाते हैं लोगों को जी, क्योंकि जनता जब आती है रैली और उसमें ढूंढ ढाड़ कर आती है तो वो मुश्किल से जो है 2-3 घंटे, लेकिन कैडर कैंप में जब हम 1-2 घंटे उसको समझाते हैं कि तुम्हारा पराभव कैसे हुआ, तुम इस दिशा पे कैसे भाई, पिछले लोगों को क्या दिया बहुजन समाज पार्टी ने, अल्पसंख्यक समाज को क्या दिया बहुजन समाज पार्टी ने, तो ये हम कैडर के माध्यम से उनको सब कुछ समझाते हैं जी। तो इससे जो है बहुत अच्छा जो है मैसेज जा रहा है, बहुत अच्छा कार्यकर्ताओं मैसेज जा रहा है, जनता मैसेज जा रहा है। सर जी, जब भी आप लोग निकलोगे फील्ड में तो मैंने कई गाँव ऐसे देखे हैं कि समस्याओं से घिरे हुए हैं, और वो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है उससे आपको असंतुष्ट भी पैदा हो, तो उनको संतुष्ट कैसे करेंगे? देखिए, समस्याएं जो है बहुजन समाज की बहुत ज़्यादा हैं जी, और भी समस्याएं इसलिए हैं कि मैं कैडर के माध्यम से, अभी मेरा जो है अभी कल ही तो हरौली गांव में जी 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 एक कैडर था, और उसमें मैंने यही बात समझाई जी कि जब तक जो है नीति नहीं बनेगी आपकी दशा सुधरने वाली नहीं है, नहीं है, और नीति बनाने के लिए आपको राजनीति जरूरी है जी,
लोग कहते हैं राजनीति गुंडे बदमाश करते हैं, धनाट करते हैं, पैसे वाले करते थे, ऐसा नहीं है जी। आपको भी राजनीति करनी है जी, और जब राजनीति आप करेंगे तभी नीति आपके पक्ष बनेगी, चाहे जहाँ जिस प्रदेश में जो मुख्यमंत्री होता है जी वही नीति निर्धारण करता है। अच्छा सर, अभी मौजूदा सरकार वर्तमान में लोगों को 2.5 किलो अनाज देने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं लोगों का उससे पेट भर रहा है, तो मैंने कई जगह पे कहा कि ठीक है आपका पेट तो भर रहा है और आपने पलायन भी करना बंद कर दिया है, कहा कि एक सोच बन गई ना आपकी कि मुझे 2.5 किलो अनाज ज़्यादा है, वो बहन जी के सरकार में 2.5 किलो अनाज ना दे करके लोगों को नौकरियां देने का काम किया गया, आपका क्या मानना सर? आदरणीय बहन जी, या बहुजन समाज पार्टी का ये मिशन है जी कि हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें जी, लोगों को स्वाभिमान मान सम्मान लौटाएं जी जी जी, लोगों को न्याय दिलाएं, ये हमारी बेसिक जो है एक वो है। अब जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अनाज बांट रहे हैं, अनाज फ्री में कुछ नहीं बंटता है जी, क्योंकि इनका जो है हजारों हजार साल से जो उत्पीड़न हुआ है, जो शोषण हुआ है, जो दमन चक्र चला है, तो इसी देश के नागरिक हैं जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अंग्रेजों सामने यही कहा था कि आप जो है मानवतावादी हैं जरूर, लेकिन उन मानवों के लिए आपने कुछ नहीं किया जो सदियों से सताए गए जी। तो अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई थी और उन्होंने सर साइमन को भेजा और पता लगाया कि कितने लोग ऐसे हैं जी। तो पता लगाया कि जो है 15% शेड्यूल कास्ट सूचीबद्ध जातियाँ हुई और 7.5% शेड्यूल ट्राइब सूचीबद्ध जातियाँ हुई। इस तरीके से 22.5% हमारा जो है निर्धारण हुआ, लेकिन उसी समय गांधी और गांधी के चमचों ने जो है गुमराह कर दिया जी। बाबा साहब समझा के आते थे और रात में वो समझाने जाते थे, वो कहते थे कि अगर सूची में लिखा दिया तुम हरिजन बन जाओगे, तुम शेड्यूल कास्ट बन जाओगे जी, तुम ये बन जाओगे, तुम वो बन जाओगे, तो वो गुमराह हुए और वो लोग जो है इस समाज से कटे जी। बाद में उनको समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है ऐसा नहीं है, उस समय कट गए होंगे, लेकिन उन्होंने जब आज़ाद भारत पर संविधान लागू कराया तो आर्टिकल 340 के तहत एक आयोग गठित हुआ और गठन के तहत काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्टें जो है नहीं लागू की गई, उसके बाद मंडल कमीशन हुआ। संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि बड़ा विषय है जी जी, कोई बात नहीं। इसीलिए मंडल कमीशन जब लागू करने की बात आई तो जो है ये बहुजन समाज पार्टी ही थी कि बीपी सिंह के सामने ये शर्त रखी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न और पिछड़ों को मंडल कमीशन लागू करो। बहुत बढ़िया। और मंडल कमीशन जब लागू हुआ तो 27% नौकरियां पिछड़े वर्गों को मिली। अब दुर्भाग्य ये है कि जो 27% नौकरियां पाके आते हैं वो बाबा साहब को नहीं जानते हैं, वो काशीराम साहब को नहीं जानते, नहीं जानते, सही बात। वो ऐसी जगह काम करने लगते हैं जो उनके द्वारा नुकसान करती हैं जी। इसलिए हमारा 85% समाज गुमराह हुआ, ये गुमराह समाज है और 85% समाज को हमें एकजुट करना है जी, उसके लिए मेहनत करनी होगी, सूत्रबद्ध करना है, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं जी। और जो गुमराह कर रहे हैं ना उनको भी चेता रहे हैं। अच्छा, कि तुम्हें जो दिया है वो बाबा साहब राम अम्बेडकर के संविधान से मिला है, तुम्हें और किसी ने दिया है जी। तुम जो आज जो है MLA MP बन रहे हो तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है जी, इसलिए तुम चेत जाओ, समय रहते हो सुधर जाओ और इस देश में जो है दो ही संस्कृति रहेंगी, या तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की या तो गुलू गोवलकर की। सही कह रहे यार। और इन्हीं बीच में लड़ाई होनी है, चाहे इस पक्ष खड़े जाओ चाहे उस पक्ष खड़े हो जाओ जी। तो ये हम जो है समझाने में कामयाबी मिल रही हमको और समझा भी रहे हैं। तो कैडर बराबर चलना चालू है? बराबर चालू है डेली जी। तो सर उसमें आपको एक चुनाव और शायद कर रहे होंगे आप कि जो कार्यकर्ता काम करने वाले हैं सही तरीके से उन्हीं का चुनाव किया जा रहा होगा? बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि कार्यकर्ता जो है दो टाइप के हैं जी। एक वो हैं जो मौका परस्त हैं, जो है पदलोलुप हैं जी, जो लोग जो है कुछ ना कुछ जो है पाने के लिए चुनाव के समय दिखाई देते हैं जी। एक वो कार्यकर्ता है जो जमीन से जुड़ा हुआ है जी, जो इस मिशन के लिए समर्पित है जी, जो आदरणीय बहन जी की नीतियों में विश्वास करता है, मानवर काशीराम साहब के मिशन में विश्वास करता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्शों पर चलता है, जो एक वो कार्यकर्ता है जी। तो मुझे ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश रहती है और उन्हीं कार्यकर्ताओं को जो है हम लगाते हैं, उन्हीं को कार्यकर्ताओं को कोशिश करते हैं कि वो हमारे बीच में आए
वहाँ हमसे जुड़े। सर जी, आपने सारे सवालों का जवाब बहुत अच्छी तरीके से सालांती से दिया और इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में आपको नवोबधाई, जय भीम करता हूँ।